आईपीएल 2021 दिन ब दिन बहुत ही रोमांचक होते चला जा रहा है। जहां आईपीएल 2021 में अब तक 47 मुकाबले खत्म हो चुके हैं, जहां दो टीमें प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुके, तो वही एक ऐसी टीम है जो प्ले ऑफ से बाहर 100% हो चुके, लेकिन बाकी की 5 टीमें अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक ऐसी टीम है जिसके पास 14 पॉइंट और पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर, उस टीम को एक मुकाबले और जीतने हैं, 3 मुकाबले में उसके बाद वो क्वालिफाई कर जाएगी। मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी एक ऐसी टीम है जो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली है, लेकिन बाकी की 4 टीमों में से कोई एक टीम ऐसी रहने वाली है जो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल, ये सभी टीमें अब तक 12 मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन जो पॉइंट है नेट रन रेट की वजह से अप डाउन पे है। आखिर इन टीमों को क्या करना होगा, कितना पॉइंट चाहिए प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए, और कौन सी टीम प्ले ऑफ में जा सकती है, और कौन सी वो 4 टीमें रहने वाली जो प्ले ऑफ में 100% जाएंगी, और कौन सी वो 4 टीमें रहने वाले जो प्ले ऑफ से बाहर होने वाली, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला। तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस टीम के जो प्ले ऑफ से डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, वो सनराइजर्स हैदराबाद है। सनराइजर्स हैदराबाद पहली ऐसी टीम बन गई है जो प्ले ऑफ से डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। वो अब तक 11 मुकाबला खेली और 11 मुकाबले में से मात्र 2 ही मुकाबले जीती है, जबकि 9 में उस टीम को हार मिली है। अभी उस टीम के पास टोटल है 4 पॉइंट, अब बाकी बचे 3 मुकाबले, अगर जीतती भी है तो भी प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएगी और 100% प्लेऑफ से डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं वो दो टीमों के बारे में जो 100% प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। तो पहली ऐसी टीम है चेन्नई सुपर किंग जो पॉइंट टेबल में फिलहाल पहले नंबर पर बनी हुई है। कल का मुकाबला हारने के बाद भी वो टीम टॉप पर है, क्योंकि उस टीम का नेट 100+1 पॉइंट है और 18 पॉइंट उस टीम के पास है 12 मुकाबले में। 9 में जीती है जबकि 3 में उस टीम को हार मिली है। वहीं अभी भी 2 मुकाबले और खेलने बाकी, अगर 2 मुकाबले अच्छे से जीत जाती है तो फिर पहले नंबर पर ही अंतिम में फिनिश कर सकती है। वहीं दूसरी टीम की बात करें तो जो दूसरी टीम प्लेऑफ में 100% क्वालिफाई कर चुकी है, जो कल का मुकाबला जीती भी है मुंबई इंडियंस को हराकर, तो उस टीम ने भी अभी 18 पॉइंट हासिल कर लिए। वो भी टीम 12 मुकाबला खेली और 12 में से 9 में जीती है जबकि उस टीम को 3 में हार मिली है। नेट रन रेट -0.5 उस टीम का है। चेन्नई सुपर किंग थोड़ा सा खराब है जिसकी वजह से 18 पॉइंट के साथ भी वो टीम दूसरे पायदान पर बनी हुई है। अगर आने वाले 2 मुकाबले जीती है तो हो सकता पहले या दूसरे स्थान पर वो टीम फिनिश कर ले, यानी कि ये 2 टीम कंफर्म है जो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी हैं। लेकिन अब बात करते हैं तीसरी टीम के जो प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली है, 80% चांसेस है, वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फिलहाल 14 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। अब इस टीम को टोटल 3 मुकाबले और खेलने हैं, 3 मुकाबले में से अगर 1 मुकाबला भी जीतती है तो भी वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है, 16 पॉइंट चाहिए प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए और 14 पॉइंट ऑलरेडी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास है। लेकिन नेट रन रेट की बात करें तो -0.2 नेट रन रेट, कोई भी चांस है, मतलब 90% चांसेस है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी। अब तीसरे या चौथे स्थान पर क्वालिफाई करती है कंफर्म है, क्योंकि वो 3 मुकाबले अगर जीतती है तो हो सकता है पहले या दूसरे स्थान पर भी फिनिश कर सकती है अगर अच्छे नेट रन रेट से जीत जाती है। वहीं बात कर लेते हैं उन टीमों के बारे में जो चौथे पायदान पर जगह बनाने वाली है। तो पहली है कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास टोटल अभी 10 पॉइंट है 12 मैचों में, लेकिन उस टीम का प्लस पॉइंट ये है कि उस टीम का नेट रन रेट जो +0.4 है। लेकिन वही पांचवें पायदान पर जो टीम है पंजाब किंग्स है। पंजाब किंग के पास भी टोटल 10 पॉइंट है, लेकिन नेट रन रेट की बात करो तो -0.2 है। वो भी 12 मैच के लिए 12 में से 5 जीती है जबकि उसमें इस टीम को हार मिली है 7 मुकाबले में। वही छठे स्थान पर जो पॉइंट टेबल में राजस्थान रॉयल्स है। राजस्थान रॉयल्स का चेन्नई सुपर किंग जैसी टीम को हराई है। उस टीम ने भी 12 मुकाबले खेले और 12 में से 7 हारी है जबकि 5 में जीती है। नेट रन रेट -0.3 है। वही अब बात कर लेते हैं जो सातवें स्थान पर जो टीम है वो है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस भी 12 मुकाबले के लिए वो भी 5 जीती है जबकि उस टीम को भी 7 में हार मिली, लेकिन उस टीम का जो नेट रन रेट है -0.4 है। मतलब 0.4 मुंबई इंडियंस का है, 0.3 राजस्थान रॉयल्स का है, 0.2 जो है वो है पंजाब किंग का, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स जो उसका 0.4 है लेकिन प्लस में है, जिसकी वजह से वो चौथे पायदान पर है। ये 4 टीमों में से ज्यादा चांसेस जो नजर आ रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स आने वाले अगर 2 मुकाबले जीतती है, कैसे भी जीते, अच्छे नेट रन रेट से भी जो भी, उसके चांसेस हाई लेवल पे हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के चांसेस ज्यादा। लेकिन पंजाब किंग और मुंबई इंडियंस को भी हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पंजाब किंग ऐसी टीम है जो मिनटों में पलट सकती है और मुंबई इंडियंस को आप जानते ही होंगे 5 बार की चैंपियन है, कभी
कोई भी मैच का रुख किस तरह पलटना हो उसको मुंबई इंडियंस को बखूबी पता है। तो मुंबई इंडियंस के 60% चांसेस है कि वो भी प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन अब आने वाले दो मुकाबले में अगर एक भी मुकाबला हारती है तो पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स के थोड़े से चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज कल का जो मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीम को हराया, यशस्वी जायसवाल और शिवम दुबे ने काफी बेहतरीन पारी खेलकर अपनी टीम को जीता कर जान डाल दिया प्ले ऑफ में जगह बनाने के। लेकिन उस टीम के 40% चांसेस है, कभी अच्छा परफॉर्म करती है कभी डाउन हो जाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस टीम के चांसेस है वह पंजाब किंग्स है, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के 80% चांसेस है, मुंबई इंडियंस के 60% और पंजाब किंग के जो है 40% चांसेस है। सो ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो मेरा जो प्रेडिक्शन कह रहा है, तो पहली टीम चेन्नई सुपर किंग रहेगी, दूसरे नंबर पर दिल्ली कैपिटल रहेगी, तीसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर रहेगी और चौथे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स रहने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है कौन सी वो चार टीमें रहने वाली है जो प्ले ऑफ में 100% जगह बनाएंगी, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।